सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइज, अभी मम्मी जी तैयार हो चुकी है। मम्मी जी जा रही है, बगल में गाइज है वो जगराता, तो अभी आप देख सकते हो तैयार हो चुकी है और अभी वो बहुत हड़बड़ी हुए है जाने के लिए। गाइज, आज हम आपको बताने वाले हैं दशहरे की कहानी। सो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो अभी हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज से बहुत वर्षों पूर्व महिषासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जो कि अपनी तपस्या से ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लिया था। जब महिषासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव कहते हैं आंखें खोलो वत्स, तब महिषासुर ब्रह्मदेव से वरदान मांगता है कि ना मुझे कोई भगवान मार सके, ना मुझे कोई राक्षस मार सके और ना ही मुझे कोई मनुष्य मार सके। उस पर ब्रह्मदेव कहते हैं, यह असंभव है वत्स, यह संभव नहीं है कि तुम्हें कोई ना मार सके, तुम अमर नहीं हो सकते हो। उस पर महिषासुर कहता है, अगर आप मुझे वर नहीं देंगे तो मैं इसी अग्निकुंड में हमेशा तपस्या करता रहूंगा। फिर ब्रह्मदेव महिषासुर को वरदान दे देते हैं। वरदान पाने के बाद महिषासुर की शक्तियां दुगनी हो जाती हैं। महिषासुर अपने सेनापति को बुलाता है और वो खूब जोर जोर से हंसता है कि अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। वो तीनों लोकों पर राज करता है। वह देवतागढ़ पे आक्रमण करने को कहता है, सबको उथल पुथल कर देता है, सबको परेशान करने लगता है। इस प्रकार सभी सृष्टि महिषासुर और दैत्यों के अत्याचार से परेशान हो जाती है। फिर सभी मिलके माता की आराधना करते हैं। फिर माता जी महिषासुर का संहार करती हैं। आज तेरा अंत होगा और तू जन्नत जाएगा। सो गाइज, आई होप आपको ये व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।